प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। मेरा नाम रमनदीप कौर है। मैं एज अ वोकेशनल ट्रेनर ऑफ हेल्थ केयर काम कर रही हाँ। मैं आज तुहानू पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वालों 9th क्लास के सब्जेक्ट हेल्थ केयर दे विचो इंप्लॉयबिलिटी स्किल पार्ट चों पॉजिटिव थिंकिंग दे बारे समझाउन जा रही हाँ। सब तो पहला अज आप गल करांगे पॉजिटिव थिंकिंग दी, कि पॉजिटिव थिंकिंग होंदी की चीज़ है। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब साड़ी सोच जड़ी आ बिल्कुल सही होनी चाहिए हैगी आ। हमेशा साड़ी सोच हाँ पक्की होनी चाहिए हैगी आ, चंगा सोचते रहना चाहिए। इहदे नाल सानूं जिंदगी च हमेशा ही सक्सैस मिलती हैगी आ। जे अगर आपां हमेशा हाँ प्रति रवैया रखांगे तो सानूं कोई भी काम जड़ा है औखा नहीं लगेगा। सो इस दे विच आपां सब तो पहला गल करांगे अज इंट्रोडक्शन दी। इंट्रोडक्शन दे विच आपां गल करांगे पॉजिटिव एटीट्यूड, कि साडा हमेशा जिहड़ा रवैया है पॉजिटिव होना चाहिए। उहदे नाल सानूं की बेनीफिट हुंदा है गया पॉजिटिव रवैये दे नाल जिंदगी दे विच। नैक्सट अगे फिर करांगे आपां कि जिहड़ा साडा रवैया है उहदियां किन्नियां किस्मां हुंदियां ने, कि दो तरह का रवैया हुंदा, एक पॉजिटिव भी हुंदा एक नैगेटिव। फिर अगे उस तों बाद गल करांगे पॉजिटिव थिंकिंग दी। पॉजिटिव थिंकिंग दी परिभाषा करांगे जिहदे विच मैं तुहानूं दस्सांगी कि पॉजिटिव थिंकिंग हुंदी की चीज़ हैगी आ। उस तो बाद फिर आपां डिस्कस करांगे कि एक क्यों जरूरी आ पॉजिटिव थिंकिंग जिहड़ी आ जिंदगी दे विच क्यों जरूरी हैगी आ सानूं हमेशा लई। लास्ट ते फिर गल करांगे आपां कि आपां किद्दां अपने आप नूं जिहड़ा है पॉजिटिव, अपनी सोच जिहड़ी आपां किद्दां सोच अपनी पॉजिटिव रख सकदे हैगे आ। सो बच्चिओ अज आपां ऐ वाले टॉपिक जिहड़े आ ऐ डिस्कस करांगे। सब तो पहलां आपां अज शुरुआत करदे हां इंट्रोडक्शन तो। इंट्रोडक्शन दे विच गल करांगे पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब सानू हमेशा जिहड़ा सारा रवैया सानू अपना वो हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए है। पॉजिटिव रवैया जिहड़ा है जिंदगी दे विच सफल होने विच सहायता करता है सानू। सो इस दे तरह कि एक कोई व्यक्ति है उहदी जिंदगी दे विच कोई भी कठिनाई आ जाए जां कोई भी चुनौती आ जाए, ठीक है, वह हमेशा उहदे प्रति की आ हाँ पक्खी रवैया रखेगा। जदों हाँ पक्खी रवैया रखेगा उहदी जिंदगी दे विच उहदे काम दे विच उहनां नूं हर खेत्र विच सक्सैस मिलेगी ते वह अगे दी अगे वधदा जाएगा, कदे भी उहनूं असफलता दा जिहड़ा सामना नहीं करना पएगा। सो जिहड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखण वाला बंदा है वह हमेशा यही चीज़ कहिंदा है कि आई कैन डू इट, कि मैं ये चीज़ कर सकदा हैगा। सो उहदा रवैया जिहड़ा है हमेशा हाँ पक्खी होगा। इहदे लई मैं तुहानूं एक उदाहरण दिंदी हाँ। मान लो क्लास विच एक किसी नूं असाइनमेंट दित्ती आ, दो तरह के बच्चे आ, एक पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले एक नैगेटिव थिंकिंग रखने वाले। जिहड़ा तो बच्चा पॉजिटिव रखेगा जदों टीचर कोई असाइनमेंट देगी वह हमेशा वह असाइनमेंट नूं असैप्ट करेगा, कहेगा कि मैम आई कैन डू इट, कि मैं कर सकता हाँ। लेकिन अगर दूसरी साइड देखिए कि जिहड़ा हमेशा नैगेटिव रवैया जिहदा होएगा वह कहेगा कि मैडम मेरे को ये चीज़ नहीं होनी, बड़ी औखी असाइनमेंट आ, मैं कित्थों करूँगा जां किवें आ, वह बहुत सारे बहाने मारेगा। सो इस तरह जिहड़ा साडा एटीट्यूड आ वह साडी जिंदगी दे विच सानू हमेशा लई अगे लैके जाण वास्ते बहुत सहायता करता है गया। सो उस तो बाद आपां गल करांगे पीपल दे एटीट्यूड्स बारे, कि लोगों का जिहड़ा रवैया है वह किन्ने किस्म का हुंदा है। देखो दो किस्म का रवैया हुंदा है गया, एक तो नैगेटिव हुंदा एक पॉजिटिव हुंदा। नैगेटिव लोग जिहड़े हुंदे ने उन्होंने माइंड में हमेशा नैगेटिविटी रहिंदी हैगी आ, वह काम कोई भी काम करन लगे पहला डरदे हैगे। और इहदी एक तुहानूं उदाहरण मैं दिंदी हाँ कि मान लो कोई भी एक परसन है वह नवा नवा जॉब पर चलिया है गया, उन्हें जॉब मिली है, वो अपने पहले दिन तो ही मन च धार लैंदा है कि मेरे लिए बड़ा औखा काम होएगा, मैनू कोई पसंद नहीं करेगा जॉब पर जां किद्दां, मतलब हजे स्टार्टिंग नहीं आई उन्हें पहला ही मन में नैगेटिविटी धार ली अपनी। वो की करेगा कि वही नैगेटिविटी जिंदगी दे विच अगे उहदे चलदी हैगी जिहदे नाल उहनूं सक्सैस नहीं मिलती हैगी। सो नैगेटिव पीपल हमेशा पहला ही चैलेंज नूं असैप्ट करन तों पहला डर जांदे हैगे ने। लेकिन अगर आपां दूसरी साइड वेखिए पॉजिटिव वाले, तो पॉजिटिव जिहड़े लोकी हुंदे आ उह हमेशा ही तैयार रहिंदे कोई ना कोई भी नवां चैलेंज नूं असैप्ट करन वास्ते, वो न्यू उहदे विच्चों कोई ना कोई नवां एक्सपीरियंस उहनां नूं मिलदा है गया, तो हमेशा जिंदगी दे विच अगे वधदे जांदे आ ते जिन्नियां भी कठिनाइयां नूं बड़े आराम दे नाल की आ सॉल्व करदे जांदे आ, तो हमेशा अपने गोल दे नूं
अचीव कर लेंगे है। सो ये कुछ एग्जैम्पल्स ने नैगेटिव तो पॉजिटिव के। सब तो पहला गल करा मैं नैगेटिव लोगों की जड़िया कुछ उदाहरण देवगी तू। मैं मान लो केंद्र कि कोई भी बच्चा है वो मार्क्स बहुत घट आए हैं इस करके वो साइंस जी स्ट्रीम एडमिशन नहीं लै सकता। सो ये की है कि बच्चा अपने मन से कि बहुत बोझ ले लेंदा है, मतलब बंदा डिप्रैशन दे विच चल जाता है। वो यही सोचता नंबर बहुत घट आए हैं, मैं एडमिशन नहीं ले सकता, मेरा फ्यूचर स्पाइल हो गया, मैं कुछ काम नहीं कर सकता अपनी जिंदगी दे विच। सो वो की है नैगेटिविटी वो मन दे विच की है बहुत सारिया बैठ जांदियां ने। उदा ही दूसरी एग्जाम्पल लै लो कि कोई भी एक टीम का मैंबर है वो ये चीज़ कहता है गया कि मेरी टीम जी मैच हारी है वो मेरे करके हारी, वो सारा ब्लेम जिहड़ा अपने सिर ते लैंदा, सोचता रहिंदा, अपने माइंड ते स्ट्रैस ले लैंदा। तो जो माइंड ते स्ट्रैस ले लेगा वो नैचुरली उहदी की आ कि हैल्थ ते की आ इफेक्ट करेगा। सो उहदे नाल उहदी नैगेटिविटी उहदे जिहड़े शारीरिक पक्षों भी की आ असर करेगी। सो ये कुछ एग्जाम्पल हैगियां सी नैगेटिव लोगों दीआं। अगर आप गल करिए पॉजिटिव की, पॉजिटिव दे विच एग्जाम्पल मैं तुहानू दवांगी कि मान लो कोई बच्चा है गया जिदे नंबर बहुत घट आए हैं तो वह साइंस स्ट्रीम विच एडमिशन नहीं लै सकता, पर उहदे नाल ये नहीं है कि वह ये नहीं सोचेगा कि मेरी जिंदगी का खात्मा हो गया। वह की करेगा, वह दूसरे पक्षी रवैया चंगे पक्षी रवैया रखेगा तो वह किसी होर स्ट्रीम दे विच अपना जिहड़ा करियर है बनाउण दी कोशिश करेगा। वो ये नहीं कि चुप करके बैठ जूगा कि हाँ नंबर मेरे वधिया नहीं आए मैं कुछ कर नहीं सकता, वो होर किसी स्ट्रीम दे विच अपना वधिया तो वधिया करन दी की आ कोशिश करेगा। उदा ही दूसरी एग्जाम्पल हैगी है कि मान लो कोई टीम जिहड़ी मैच हार गई है, वो ये नहीं है कि हाँ हार दे जिहड़ा अपना बोझ लैके अपने बैठे रहणगे, वो की करनगे कि हार दा कारण लभणगे। ठीक है, कि किते किस कारण करके साडी टीम हारी हैगी है। ठीक है, वो कारण लभ के तो फिर अगे वधन वास्ते अपनी टीम नू उत्साहित करनगे और होर वधिया खेडन वास्ते कि अपने आप नू प्रेरित करनगे। सो यह कुछ एग्जाम्पलां सी नैगेटिव ते पॉजिटिव पीपल्स दी। नैक्सट अगे आ जाती है डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, कि जिहड़ी पॉजिटिव थिंकिंग है उहदी परिभाषा बारे गल करांगे आपां। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब साडी सोचनी, साड़ी सोचनी जिहड़ी आ हमेशा जिहड़ी सोच साड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए हैगी है। पॉजिटिव थिंकिंग वाला जिहड़ा परसन है गया, कोई भी एक व्यक्ति आ जिहदा रवैया हमेशा पॉजिटिव होगा ना, उहनू कोई भी चीज़ होवे उहदे विच उहनू चंगियाई ही मिलेगी। कोई भी चीज़ नू अपनी निगाह दे नाल चंगी निगाह दे नाल ही देखेगा, कोई भी चीज़ नू देखण विच जां समझण दे विच उह हमेशा चंगी सोच ही रखूगा। नाल दी नाल वो अपना जिहड़ा काम आ उहनू बड़े ही धीरज दे नाल करूगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ गई उहदी जिंदगी दे विच उह ये नहीं आ कि इन्ना हाइपर होगा कि हाँ मेरे नाल ही क्यों हुंदा है, ये मेरे नाल ही क्यों इदां होया है, ये चीज़ां सोचण दी बजाय वह बड़ा ही शांतमई हो के अपने जिहड़ी अपनी प्रॉब्लम आ उहदा हल लभेगा, उहनू हौली हौली सही करन दी कोशिश करूगा। ना कि ये वेखूगा उहदे वास्ते चिंता ले लूगा कि हाँ ये मेरे नाल ही क्यों होया, ठीक है मेरे नाल ही ये चीज़ क्यों इदा हुई है, उहदी टेंशन लैके बैठ जाएगा। इहदे नाल की आ उहदे लाइफ दे विच की आ बहुत ज़्यादा की स्ट्रैस आ जाएगा। सो आपां ये भी देखते हैं अजकल जिहड़ी जिंदगी हैगी आ उहदे विच बहुत तरह का स्ट्रैस हैगा, अजकल जल्दी ही आपां की स्ट्रैस दे विच आ जांदे आ जिहदे नाल की आ साड़ी हैल्थ उत्ते भी इफेक्ट पैंदा है गया। पर सानू कोशिश करनी चाहिए आ ज़्यादा तो ज़्यादा कि आपां हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड अपना रखिए, कि कोई भी स्ट्रैस होवे उहनू इन्ना अपने उत्ते हैवी ना होण दईए कि उह साड़ी सेहत नू खराब कर जाए। कोशिश करनी चाहिए आ कि आपां नू चंगी चीज़ भी सोचनी चाहिए आ, कोई भी चीज़ हमेशा उहदियां दो साइड हुंदियां, एक नैगेटिव साइड एक पॉजिटिव साइड। सो ये साढ़े ते डिपेंड करता है कि आपां की सोच रखनी है, चंगी सोच रखनी है जां माड़ी सोच रखनी है। सो ये सी पॉजिटिव थिंकिंग दी डेफिनेशन। अगे हुण कवरांगे आपां कि पॉजिटिव थिंकिंग जिहड़ी आ वो क्यों जरूरी है जिंदगी दे विच। देखो जी पॉजिटिव थिंकिंग जे अगर आपां रखांगे, ठीक है, कि जे साडा आपां पॉजिटिव होवांगे लाइफ दे विच, सोच साडी पॉजिटिव होगी उहदे नाल कोई भी काम जिहड़ा आपां बड़ा आसानी नाल कर सकदे हैगे आ।
हमेशा कोई भी काम का जिहड़ा सानू नतीजा है ना वो हमेशा चंगा ही मिलेगा। सब तो पहला करांगे कि ओवरकमिंग चैलेंज, कि कोई भी जिंदगी विच चुनौती आजूगी जिहड़ा चंगी सोच रखता बंदा है वह उस चुनौती नू असैप्ट करके उन्हूं सॉल्व करन दी कोशिश करूगा। मतलब कोई भी चुनौती आऊ उहदे कोल डर के भजेगा नहीं, उहदा सामना करेगा, सामना करके उन्हूं सॉल्व करन दी कोशिश करूगा। इस तरह कोई भी आदमी है जिहड़ा कोई भी काम है अपना बहुत वधिया तरीके नाल कर सकदा, जे पॉजिटिव सोच उहदी होऊगी, मतलब सकारात्मक सोच उहदी होऊगी, तो वह कोई भी काम जिहड़ा है वधिया तो वधिया तरीके नाल कर सकदा है। और वो बंदा पॉजिटिव सोच रखने वाला बंदा हमेशा ही एनर्जेटिक हुंदा है गया, मतलब एनर्जी नाल भरपूर हुंदा, वो कोई भी काम करन लगे छेती किते थकदा नहीं है गया। जे पॉजिटिव थिंकिंग साढ़े विच होएगी तो अहीं अपने काम नूं वधिया तो वधिया बना सकते हैं गे, ते जिंदगी विच साडा जिहड़ा जिहड़ा गोल है, जिहड़ा साडा उद्देश आ, उहनूं आपां बड़ा आसानी दे नाल की आ पा सकते हैं गे। और इस दे नाल एक होर गल है कि मेकिंग यू एंड पीपल अराउंड यू हैप्पी। जे अगर आपां पॉजिटिव सोच रखांगे इहदे नाल नाल आपां भी खुश रहांगे, तो साढ़े जिहड़े आले दुआले लोग आ साढ़े रहिंदे वह भी खुश रहणगे। देखो ये बहुत चीज़ असर करती है कि मान लो जे अगर आपां नैगेटिव सोच रखते हैं, ठीक है, हमेशा साढ़े लागे बन्ने भी सानू नैगेटिव लोग ही टकरणगे। जे अगर आपां पॉजिटिव सोच रखांगे तो सानू हमेशा ही पॉजिटिव ही रिस्पोंस जिहड़ा है आएगा, पॉजिटिव ही अपने पास आसे पासे बंदे मिलणगे। और हमेशा आपां खुश रहांगे आप तो आपां दूसरियां नूं की आ खुश रख सकते हैं। सो जिहड़ी पॉजिटिव सोच हुंदी जिंदगी विच वह बहुत ही ज़्यादा जरूरी हुंदी है। इहदे लई मैं एक उदाहरण देवांगी कि जिहड़ी कोई भी मान लो एक छोटी कीड़ी आ, ठीक है, जे अगर आपां वेखीए तो वह कुदरत वल्लों सब तो छोटा जीव बनाया हैगा एक परमात्मा ने। तो सो वह कीड़ी की करती है कि जदों भी जाती है वह अपने रस्ते च रुकती नहीं हैगी। आपां छोटे होंदे कई बार ट्राई करते हैं जदों कीड़ियाँ जांदियां होंदियां लाइन सिर, आपां पेन रख दें जां हाथ अगे रख दें जाते टाइम, जां कोई पत्ता अगे रख दें, आपां की देखते हैं कि वह पत्ते करके जां हाथ रखण करके कीड़ी अगे रुकती नहीं आ, वह अपना की है रस्ता बदल लेंदी हैगी। रस्ता बदलन तो बाद पर उन्हें चलती रहना, रुकती नहीं है, वो रस्ता बदल के वो चलती रहती हैगी है। सो ये सानू बहुत जिंदगी विच सब तो बेस्ट उदाहरण है अपने लिए कि सानू कोई भी कोई हार आ जाए उन्हें वेख के चुप करके बैठना नहीं चाहिए है जिंदगी विच। सानू अगे तो अगे की आ वधदे रहना चाहिए, मतलब कोई भी कठिनाई होवे सानू ट्राई जिहड़ी आ करदे रहना चाहिए है। सो उस तो बाद मैं तुहानू हुण दसन जा रही हाँ कि किद्दां असीं अपनी थिंकिंग जिहड़ी आ पॉजिटिव रख सकते हैं, कि किद्दां असीं अपनी जिहड़ी सोचनी आ वह पॉजिटिव रखांगे। क्योंकि देखो अजकल तो बहुत ही जल्दी बंदा स्ट्रैस विच आ जाता है, क्योंकि अजकल काम का वर्क लोड इन्ना हैवी हो गया है, छोटे बच्चों उत्ते पढ़ाई का हो गया है, वड्या उत्ते कमां का हो गया है, जिदे नाल माइंड के उत्ते कोई ना कोई स्ट्रैस रहिंदा ही रहिंदा है। पर लेकिन अहीं इन्ना बिजी शड्यूल दे विच भी अपने आप नहीं सोचनी जिहड़ी हमेशा पॉजिटिव रख सकते हैं। वो किस तरह हुण एक सब तो सौखा तरीका है गया है जिहड़ा मैं तुहानूं दसन जा रही हाँ, सिर्फ सानू समझण दी लोड़ हैगी है एक छोटी जी एब्रीवेशन जिहदा नाम है स्माइल। आपां कहिंदे ना स्माइल प्लीज़, स्माइल मतलब अपनी खुशी, ठीक है, हैप्पीनेस, ठीक है, खुश रहना। हुण स्माइल जिहड़ा वर्ड है SMILE, यह वर्ड याद रख लेना और यही फॉर्मूला अपनी जिंदगी दे विच तुसी लागू करोगे तो देखना कि तुसी तुहाडी सोच जिहड़ी पॉजिटिव हो जूगी और तुसी किन्ने तुहानू खुशी महसूस होगी उहदे विच। हुण इहदे विच सब तो पहला आपां गल करांगे एस दी, स्माइल शब्द दे विचों सब तो पहला एस दी गल करांगे। एस दा मतलब हुंदा है स्टार्ट यूअर डे इन अ पॉजिटिव वे, कि अपनी जिहड़ी दिन दी शुरुआत आ हमेशा तुहानू पॉजिटिव तरीके दे नाल करनी चाहीदी हैगी। हुण मैं ये भी दसांगी कि पॉजिटिव तरीके दे नाल किद्दां सानू करनी चाहीदी हैगी आ। कोई भी एक्सरसाइज करके सवेरे उठदे आ सार आपां एक्सरसाइज करके, ठीक है, योगा करके जां मेडिटेशन करके, ठीक है, जां आपां कोई एहो जी चीज़ रीड करके,
ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ ਹੈਗੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੈਸਟ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਏ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰੋਂ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਈਲ ਦਾ ਵਰਡ ਐੱਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਸਮਝੋਗੇ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਪਰਸਨ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੋਬੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਾ, ਕਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ ਰਿਲੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਕੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਇਮੈਜਿਨ ਦ ਬੈਸਟ ਇਨ ਐਨੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਲੇਂਜ ਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਲਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਆ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀੜੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਸਮਾਈਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੈਟਰ ਐੱਲ। ਐੱਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਰਨ ਟੂ ਟੇਕ ਫੀਡਬੈਕ ਇਨ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਰਸਨ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਬਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਊਗਾ। ਉਹ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ।
ਸੋ ਫੀਡਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਠਿਨਾਈ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਓਵਰਕਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ ਸਮਾਈਲ ਦਾ ਈ, ਈ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਸਮਾਈਲ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਈਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖੋਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਜਾਂ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਛੱਡ ਪਰੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਉਣਾ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਮਾਈਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਐਸ ਤੋਂ ਕਿ ਹਮ ਸਮਾਈਲ ਦਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐੱਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੋਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆਈ ਤੋਂ ਇਮੈਜਿਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਐਨੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਠਿਨਾਈ ਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਤਾਂ। ਐੱਲ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਈ, ਈ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ, ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਟੋਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੀ, ਕਿ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣਗੇ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ, ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਹੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਉਹਦਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਿਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝੂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਨ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
पॉजिटिव रख सकते हैं एक छोटे जे शब्द स्माइल तो, मतलब खुश रख सकते हैं अपने आप को स्माइल करके, ठीक है, और लोगों को भी खुश रख सकते हैं। स्माइल दे विच आपां कीता सी कि अपने दिन की शुरुआत सानू वधिया तरीके नाल करनी चाहिए हैगी आ, रीडिंग कुछ यहोजा रीड करके या योगा वगैरह करके या एक्सरसाइज वगैरह करके, फिर आपां कीता सी अपने टाइम नू सानू मैनेज करना चाहिए हैगा मेडिटेशन योगा वगैरह करके, जा अपने आप नू कोई लोकी काम रखते हैगे ने म्यूजिक सुन के। आज तो आपां कीता सी कि हमेशा सानू कोई भी सिचुएशन हो जाए उदे विच सानू जिहड़ी साडी सोचनी आ हमेशा ठीक होनी बेस्ट होनी चाहीदी हैगी है। एल तो कीता सी कि सानू सीखना चाहीदा है साडी फीडबैक तो, अपने आप नू इंप्रूव करन वास्ते सानू हमेशा सीखते रहना चाहीदा हैगा। लास्ट वन कीता सी ग्रैटीट्यूड करना चाहीदा, एक्सप्रैस करना चाहीदा कि हमेशा धन्नवाद करना चाहिए उन्होंने लोगों का जिन्होंने साड़ी सानू हमेशा पॉजिटिव बनाने विच साड़ी सहायता की हैगी। सो ये अज की समरी जिहड़े आपां टॉपिक किए उहदे बारे डिस्कशन। नैक्सट कुछ क्वेश्चनस आ जाते हैं इस टॉपिक दे रिलेटिड। सब तो पहला क्वेश्चन है गया है कि तुसी तुहानू व्हाट टाइप ऑफ लुकिंग रिक्वायर्ड इन पॉजिटिव थिंकिंग, किस तरह की जिहड़ी आ पॉजिटिव थिंकिंग दे विच जिहड़ी देखनी किस तरह की होनी चाहिए है साडी। उस तो बाद क्वेश्चन आ जाता है कि किन्ने जिहड़े आ हाउ मैनी टाइप ऑफ परसन एटीट्यूड, परसन का एटीट्यूड किन्ने तरह का होंदा, ये भी मैं तुहानू कराया सी कि परसन का एटीट्यूड किन्ने तरह का होंदा। नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है कि की नैगेटिव एटीट्यूड जरूरी होंदा कई खेत्रां विच, कई सम टाइम कहिंदे कदे कदे की सानू नैगेटिव एटीट्यूड रखना चाहिए है गया। उस तो बाद क्वेश्चन आ जाता है गया है कि वट कैन डू द चैलेंजेस बाय हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड, कि जे साडा पॉजिटिव एटीट्यूड होवेगा आपां जिंदगी दा किहड़ा चैलेंज जिहड़ा है उहनूं असैप्ट कर सकदे हैगे। नैक्सट अगे आ जाता है कि जे अगर आपां पॉजिटिव थिंकिंग रखदे हां, ठीक है, उहदे नाल जिहड़े आसे पासे दे साडे लोक आ उह किहो जिहे होणगे, उह किद्दां दे साडे नाल बिहेव करनगे, जां आपां किद्दां उहनां नूं की रख सकदे हैगे। कहिंदे आ कि अपनी जिंदगी दा सानूं अपने आप दी जिहड़ी सोच पॉजिटिव रखण वास्ते सानू केड़ी एब्रीवेशन, जिहड़ी छोटी जी एब्रीवेशन तुहानू मैं करवाई सी, केड़ी एब्रीवेशन की वरतों सानू करनी चाहिए हैगी है। नैक्सट अगे आ जाता है कि वट शुड वी हैव टू डू टू कीप रिलैक्स एंड स्टे काम, कि सानू की करना चाहिए अपने आप नू रिलैक्स करने वास्ते, तो अपने आप नू शांतमई करने वास्ते सानू की करना चाहिए है गया। सो उस तो बाद आता है कि हाउ वी कैन स्टार्ट अवर डे, सानू अपने दिन की शुरुआत किवें करनी चाहिए हैगी है। सब तो वधिया तरीका की है अपने आप नू इंप्रूव करन दा, ए नैक्सट क्वेश्चन आ कि अपने आप नू इंप्रूव करन दा सब तो वधिया तरीका की है। ते लास्ट ते क्वेश्चन आ जांदा है कि केड़े फील्ड विच पॉजिटिव एटीट्यूड जिहड़ा है जरूरी है गया। सो इस दे नाल मैं उम्मीद करदी हाँ कि तुहानू मेरा अज दा टॉपिक जिहड़ा है समझ आया होगा। मैं आप सब जी दा बहुत दिलों धन्नवाद करदी हैगी हाँ इस चीज़ नू समझन वास्ते। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।